इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे स्प्रिंग एग्री का यूज, स्प्रिंग में एग्री का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग चलते हैं फाइल मेनू में, वहाँ पर जा सब ऑप्शन में जाएंगे न्यू में, और उसके बाद सिलेक्ट करेंगे हम लोग मेविन प्रोजेक्ट। मेविन प्रोजेक्ट में क्लिक करने के बाद हम लोग का आएगा यहाँ पर डायलॉग, तो यहाँ पर करेंगे हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट पर यहाँ पर देखिए, करने के बाद यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहता है मेविन क्विक स्टार्ट 1.1, अगर सिलेक्ट नहीं है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट ही रहता है। उसके बाद कीजिए नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ ग्रुप आईडी में हम लोग दे देते हैं पैकेज का नेम, हम दे दिया एलएस, और अपडेटेड आईडी में देना पड़ेगा हमको प्रोजेक्ट का नाम। तो हम दे देते हैं स्प्रिंग प्रो 10, हमने दे दिया और फिनिश कर दिया। देखिए यहाँ पे एक फोल्डर बन के आ गया स्प्रिंग प्रो 10 नाम से। हम यहाँ पर थोड़ा जूम कर देते हैं इसको। यहाँ पे देखिए आप स्प्रिंग प्रो 10 नाम का यहाँ पर बना हुआ फोल्डर, इसके अंदर जो है सो src main java है, और एक लास्ट में एक फाइल देती है pom.xml जो है सो क्रिएट करके, ये मेबिन ऑटोमेटिक आपको देता है बना के। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग चलते हैं pom.xml में, देखिए pom.xml का ये फाइल है, और एक src main स्लैश मेन जावा जो ऊपर फर्स्ट फोल्डर है उसके अंदर पैकेज नेम है, पैकेज नेम पर क्लिक कीजिएगा तो ऐप डॉट जावा, यहाँ पर जो से बना बना एक फाइल देता है मेबिन, और एक पॉम डॉट एक्स एम एल, दोनों फाइल मेबिन ऑटोमेटिक बना के देता है। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं स्प्रिंग का डिपेंडेंसी डाउनलोड कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। चलते हैं ब्राउजर पे, ब्राउजर पे जाने के बाद हम लोग करते हैं ओपन गूगल, और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे मेबिन डिपोजिटरी। मेबिन डिपोजिटरी टाइप करके यहाँ पर आएगा जो है सो एक मेबिन डिपोजिटरी डॉट कॉम, यहाँ पर क्लिक कीजिए। ऊपर टॉप में आएगा एक सर्च बार, जहाँ पर क्लिक आपको टाइप करना है स्प्रिंग वेब एमवीसी, सॉरी वेब। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज पर आएगा स्प्रिंग वेब एमवीसी, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए बहुत सारा वर्जन दिया हुआ है, कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यूज करेंगे यहाँ पे 5.1.1। हमने क्लिक किया तो आया नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखिए यहाँ पे डिपेंडेंसी दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे ही सिंगल क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है सो ऑल सिलेक्ट भी हो जाएगा और कॉपी भी हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया देखिए यहाँ पर ऑप्शन मैसेज शो दे रहा है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी हो गया है, और हम आगे क्या करेंगे पॉम डॉट एक्सएमएल में पेस्ट कर देंगे। फॉर्म डॉट एक्सएमएल में पेस्ट हो गया, उसके बाद हम लोग सेव कर देंगे। चलिए इसका काम हो गया, इसको हम लोग कर देते हैं क्लोज, क्लोज कर दिए हम लोगों। उसके बाद हम लोग चलते हैं पैकेज में, पैकेज में हम लोग बनाते हैं क्लास। चलिए हम लोगों ने एक क्लास बनाते हैं, किस नाम से क्लास बना लेते हैं, एक एम्प्लॉय नाम से। तो सबसे पहले हम लोग एम्प्लॉय एक होगा डिटेल्स, और उसका एक एड्रेस का अलग सेपरेट डिटेल हम लोग बना लेते हैं। हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं EMPLOY एम्प्लॉय नाम से एक क्लास, और एक और क्लास बना लेते हैं हम लोग पैकेज के अंदर एड्रेस नाम से। हम लोग दो क्लास बना लिए। तो सबसे पहले हम लोग एड्रेस हम लोग डिक्लेयर करते हैं, एड्रेस में क्या क्या रहेगा, प्राइवेट इंट हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लें हम लोग, हाउस नंबर। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं स्ट्रिंग कॉलोनी, प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी हम लोग ले लेते हैं, और स्टेट हम लोगों ने चार फील्ड ले लिया। अब क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग इसका कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे सोर्स में, सोर्स में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ क्रिएट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए चारों फील्ड सेलेक्ट है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जनरेट कर देंगे। जनरेट कर दिए, अब इसका हमको क्या करना है,
कि एक टू स्ट्रिंग में हमको सब वैल्यू को चेंज भी करना है। तो हम लोग फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे माउस करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद सोर्स में जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जाने के बाद यहाँ पर है जनरेट टू स्ट्रिंग, यहाँ पर टू स्ट्रिंग पर हम लोग सेलेक्ट कर देंगे और जनरेट कर देंगे। देखिए यहाँ पर जैसे सब जो है टू स्ट्रिंग में जनरेट हो गया है। हम लोग चलते हैं एम्प्लाई में, एम्प्लाई में चलते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ जो है सो वेरिएबल ले लेते हैं, प्राइवेट यहाँ पर हम लोग लेते हैं इंट ईएमपी कोड, एम्प्लाई कोड के लिए ईएमपी कोड ले लिया हमने, प्राइवेट स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम का हम लोग ले लिया ई एम पी नेम, और हम लोग एक ले लेते हैं प्राइवेट एड्रेस, चूँकि हम लोगों ने एक सेपरेट बनाया है तो हम लोग क्या करते हैं पूरा एड्रेस क्लास को ही कॉल कर लेते हैं। तो ए डबल टी आर ई डबल एस एड्रेस है, इसका हम लोग कोई वेरिएबल बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या बनाए एड्रेस नाम से, आप कोई भी नेम से आप बना सकते हैं। चलिए इसका सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद सोर्स में जाएंगे, सोर्स में जाने के बाद हम लोग देखिए यहाँ पर जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ तीनों फील्ड सेलेक्ट है और हम लोग कर देंगे जनरेट। चलिए तो जो है सो फील्ड जो है सो यूजर से यूजर को देना है, और हमको क्या करना है डिस्प्ले भी करना है, तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं। तो पब्लिक वॉइड हम लोग एक डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इसको क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं एक यहाँ पर मैसेज दे देते हैं हम लोग, एम्प्लॉय डिटेल्स, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी एक एक करके बारी बारी से हम लोग सब वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो सबसे पहला है एम्प्लॉय कोड, ई एम पी कोड इसका वेरिएबल दे देते हैं, यूज कर लेते हैं, और दूसरा वैल्यू है एम्प्लॉय नेम, सॉरी एम्प्लॉय नेम, तो ई एम पी हम लोग नेम ले लिया, और लास्ट क्या है एक एड्रेस, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम एड्रेस को कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमको डबल इंटर कमा देने की ज़रूरत नहीं, हम लोग क्या करेंगे एड्रेस डॉट टू स्ट्रिंग क्या करेगा, एड्रेस में जितना ही वैल्यू है उसको टू स्ट्रिंग में चेंज कर देगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं एड्रेस का वेरिएबल कौन सा बनाए थे एड्रेस, एड्रेस ही बनाए थे, तो इसमें जो भी वैल्यू आया उसको हम लोग चेंज कर लिए और शो करा देंगे। चलिए हम लोग अब इसका भी काम हो गया, तब चलते हैं हम लोग एक्सएमएल फाइल बनाते हैं जहाँ वैल्यू जो है सो हम लोग पुट करेंगे। तो चलिए एस आर सी मेन स्लैश जहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद न्यू पे जाइए, न्यू पे जाने के बाद आप जाइए अदर्स में, अदर पे जाने के बाद यहाँ पर आप सर्च कीजिए एक्सएमएल, एक्सएमएल स्लैश सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए एक्सएमएल फाइल आएगा, इस पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पर जाइए, यहाँ पर एक्सएमएल फाइल का नाम देना, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, हम यहाँ पर देते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट और फिनिश कर दीजिए, हम फिनिश कर दिए। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बीन्स अटैच करना पड़ेगा, तो आप कोई भी जैसे ट्यूटोरियल पॉइंट से या जी आई टी हब से आप कर सकते हैं यहाँ पे अटैच, हम यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा हमको जापा टी पॉइंट पे, तो हम लोग वहाँ से अटैच कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ सर्च करते हैं स्प्रिंग जापा टी पॉइंट, यहाँ पर सर्च करने के बाद यहाँ पर आ गया लर्न स्प्रिंग ट्यूटोरियल, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में ऊपर ही एक है स्प्रिंग एप्लीकेशन नाम से एक लिंक, इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए, स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए यहाँ पे
नंबर टू पे है क्रिएट द एक्सएमएल फाइल। यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ से केवल बिन्स कॉपी करना है, टोटल कॉपी नहीं करना है, केवल बिन्स को कॉपी करना है। तो हम लोगों ने कॉपी कर लिया और जाके अपने एक्सएमएल फाइल में अटैच कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बिन्स को क्लोज भी कर देंगे चूँकि बिन्स यहाँ पे ओपन हुआ था। तो अब चलिए हम लोग अब कॉल करते हैं क्लास फाइल को। पहला का बिन बनाते हैं और इसका हम लोग आईडी दे देते हैं और एक क्लास, दो प्रॉपर्टी। आईडी में हम लोग दे देते हैं कुछ भी दे देते हैं, जैसे हम लोग ने दे दिया इन्फो, आप कुछ भी दे सकते हैं यूजर डिफाइंड। और हमको देना है क्लास फाइल का नाम। तो किसके लिए चलते हैं हम लोग, सबसे पहले एम्प्लॉय पे, यहाँ पे क्लास नेम पे हम लोग क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और यहाँ पे कॉपी क्वालिफाइड नेम, यहाँ से कॉपी क्वालिफाइड नेम करेंगे, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद जाके हमको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, पेस्ट हो गया। अब हम लोग क्या बनाए थे यहाँ पे एम्प्लॉय में, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जनरेट किए थे, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर ही वैल्यू पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, कंस्ट्रक्टर ARG। तो यहाँ पे क्या है कि वैल्यू दे देते हैं हम लोग एम्प्लॉय कोड, जैसे 101 हमने दे दिया, और ये इंटीजर टाइप का है इसीलिए हमको टाइप यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता। और दूसरा क्या है, कंस्ट्रक्टर वैल्यू इक्वल टू हम लोग दे देते हैं रवि कुमार, और एक तीसरा प्रॉपर्टी देते हैं, और तीसरा प्रॉपर्टी में हम लोग यहाँ पर दे देंगे रेफरेंस, रेफरेंस में हम लोग दे देंगे कुछ भी दे देंगे, जो देंगे हमको ऊपर जो है सो यूज कर लेंगे। तो रेफरेंस में दे देते हैं ADD एड एड्रेस का। और चलिए हम लोग फिर से यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी क्या किए, एम्प्लॉय का बनाए हैं, वैसे हमको किसका बनाना पड़ेगा, एड्रेस का। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए एड्रेस का बना लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से बिन क्रिएट करते हैं, यहाँ पर फिर से एक आईडी देना पड़ेगा और एक क्लास। तो आईडी कौन सा पड़ेगा, जो हम लोग एम्प्लॉय का जो रेफरेंस लिए हैं, तो रेफरेंस क्या है एड, तो इसका एड्रेस रेफरेंस कहाँ पड़ेगा, एड्रेस में। चलिए हम लोगों ने दे दिया। और क्लास का नाम देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस पे चलते हैं, क्लास नेम पे इस पर राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, कॉपी क्वालिफाइड नेम, कॉपी क्वालिफाइड नेम पर क्लिक कर दिए, कॉपी हो गया। और हम लोग ला के यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर यहाँ पर भी जनरेट किया था हम लोग, तो हम लोगों को कंस्ट्रक्टर में ही वैल्यू पास कराना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं कंस्ट्रक्टर ARG, पहला वैल्यू क्या था, हाउस नंबर, तो हाउस नंबर में दे देते हैं 59। और यहाँ पे था इंटीजर टाइप, तो यहाँ पर हम लोगों को टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो हम लोग दे देते हैं इंट। दूसरा वैल्यू है कंस्ट्रक्टर ARG, वैल्यू हम लोग दे देते हैं, दूसरा वैल्यू है तो हम लोग दे देते हैं मदनपुर खादर। और तीसरा में हम लोग वैल्यू दे देते हैं सिटी, साउथ दिल्ली। एंड एक लास्ट वैल्यू जो है सो कंस्ट्रक्टर ARG में हम लोग वैल्यू पास करा देते हैं स्टेट का, तो कर देते हैं न्यू दिल्ली, सॉरी दिल्ली कर देते हैं। अब बन गया बिन, अब क्या करेंगे हम लोग, मेन फाइल में अटैच करेंगे। तो मेन फाइल कौन है, app.java, app.java में चलते हैं हम लोग, यहाँ से कमेंट को रिमूव कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर XML फाइल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो XML फाइल का नाम मेरा क्या है, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, आपका जो नाम होगा उससे आप लोग बनाइएगा, मेरा नाम है
एक्सएमएल का एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। एप्लीकेशन कंटेक्स्ट इसका हम लोग बना लिए एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास पाथ एक्सएमएल, और फिर से पड़ेगा यहाँ पे नाम एक्सएमएल का, और यहाँ पे जो है सो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में देना है, फिर से एक्सएमएल का नाम विथ उसका एक्सटेंशन डॉट एक्सएमएल। हम लोग दे दिए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल। यहाँ पर इरर शो कर रहा था, यहाँ पर माउस ओवर कीजिए और इंपोर्ट करा दीजिए। इंपोर्ट हो गया, यहाँ पर भी इरर शो कर रहा है, यहाँ पर भी आप इंपोर्ट करा दिए। अब क्या करना हमको, क्लास फाइल को लाना है। तो क्लास फाइल मेरा कौन है, मेन डिपेंड इम्प्लॉय पे क्या कहें, डिपेंड है कौन सा एड्रेस, तो हम लोग मेन क्लास को कहते हैं कि मेन क्लास को नहीं इम्प्लॉय, तो ई एम पी एल ओ वाई डब्ल्यू इम्प्लॉय। यहाँ पे ई एम पी हमने बना लिया इसका ऑब्जेक्ट इक्वल टू एप्लीकेशन कंटेक्स्ट का क्या है सी ओ डबल एन ऑब्जेक्ट, उसका यूज कर लिए डॉट गेट बिन। गेट बिन यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आएगी, जो हम लोग वैल्यू दिए थे यहाँ पे एप्लीकेशन कंटेक्स्ट में, हम लोग क्या दिए थे यहाँ पे बिन मेन का इम्प्लॉय का आई डी इन्फो, तो हम लोगों को क्या पास कराना पड़ेगा यहाँ पे सेम नाम होना चाहिए जो वहाँ पर हम लोग दिए एप्लीकेशन कंटेक्स्ट में, वही सेम नाम यहाँ आना चाहिए, कॉमा देंगे और प्लस क्लास का नाम ई एम पी एल ओ वाई डब्ल्यू एम्प्लॉय डॉट क्लास, उसके लास्ट में सेमीकोलन दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोगों ने एक एम्प्लॉय में एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया था वैल्यू को शो करने के लिए आउटपुट, तो डिस्प्ले नाम का है तो हमको डिस्प्ले यहाँ पर कॉल कर लेते हैं फंक्शन को। तो क्या करेंगे ई एम पी एम्प्लॉय का क्या ऑब्जेक्ट ई एम पी डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले हो गया, कॉल कर लिया डिस्प्ले को। तो चलिए हम लोग रन करा के देखते हैं। यहाँ पे जाएंगे ऐप डॉट जावा में, राइट क्लिक करेंगे, रन एज में जाएंगे और जावा एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करेंगे सर्वर स्टार्ट करेगा। अब सर्वर स्टार्ट करने के बाद देखिए आउटपुट आ गया, एम्प्लॉय डिटेल्स में एम्प्लॉय कोड 101, नेम रवि कुमार और एड्रेस में हाउस नंबर 59 कॉलोनी मदनपुर खादर सिटी साउथ दिल्ली और स्टेट दिल्ली। देखिए सेम वैल्यू यहाँ पर आपका जो है कंटेक्स्ट डॉट एक्सएमएल में है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 101 है जो कि एम्प्लॉय कोड है, दूसरा रवि कुमार जो कि एम्प्लॉय नेम है, और थर्ड इसका जो हम रेफरेंस लिए थे उसको हम क्या किए एम्प्लॉय का रेफरेंस हम लोग एड्रेस के आईडी में कर लिए यूज, क्योंकि एम्प्लॉय पर एड्रेस डिपेंड है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर लिए 59 जो है हाउस नंबर दे दिए यहाँ पे, और मदनपुर खादर जो है यहाँ पे दे दिए हम लोग कॉलोनी, यहाँ पे दे दिए साउथ दिल्ली सिटी, और जो है दिल्ली जो है हम लोग दे दिए स्टेट। यहाँ पे देखिए उसका आउटपुट यहाँ सेम टू सेम आया है। तो ये जो था स्प्रिंग जैसे एग्री था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्प्रिंग ऑटो वायर। ऑटो वायर में दो तरह से वैल्यू पास कर सकते हैं, एक तो जो है सो टाइप और एक बाय नेम और बाय टाइप से। तो हम लोग दोनों एग्जांपल देख लेंगे, तब तक के इतना करिए, उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।